नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं मादा युग्मक कोष भित्त की संरचना एवं परिवर्धन। मादा युग्मक कोष भित्त के मादा युग्मक कोष भित्त की संरचना एवं परिवर्धन। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए जिस तरीके से हमने नर युग्मक कोष भित्त की संरचना और परिवर्धन पढ़ा था, इसके अंतर्गत हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी का विकास, परागकण की संरचना, साथ में नर युग्मक कोष भित्त का नर युग्मक कोष भित्त क्या है, नर युग्मक कोष भित्त का परिवर्तन कैसे होता है, नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया था। इसी तरीके से हम मादा युग्मक कोष भित्त की संरचना और उसके परिवर्तन के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, मादा युग्मक कोष भित्त की संरचना एवं परिवर्धन के अंतर्गत हम सबसे पहले अंडक के बारे में जानना चाहेंगे कि अंडक क्या होता है। अंडक जिसे कार्पेल बोलते हैं या गुरु बीजाणु कण या मेगा स्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। अंडक को ही मेगा स्पोरोफिल, अंडक को ही गुरु बीजाणु कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु कण कहा जाता है। आइए इस पर हम बात करते हैं अंडक। देखिए अंडक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अंडक को इंग्लिश में बोलते हैं कार्पेल, या इसका एक दूसरा नाम है जिसे गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से इसे जाना जाता है। गुरु बीजाणु पर्ण इंग्लिश में इसे मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको हमने बताया था कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादपों में मादा जन्मा, ठीक है, आवर्त बीजी पादपों के पुष्प में मादा जननांग कौन होता है? जायांग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों के पुष्प में जायांग मादा जननांग होता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है, और एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, ठीक है, मादा जननांग कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, आपको बता दो जायंग होता है। जायंग जिसको गाइनेशियम के नाम से आप लोग जानते हैं, गाइनेशियम के नाम से इसे जानते हैं। देखिए यह पुष्प का, आपने पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया है और ये पुष्प की संरचना का सबसे आंतरिक चक्र होता है, ठीक है। पुष्प की संरचना का सबसे आंतरिक चक्र कौन सा होता है? जायांग होता है, क्योंकि हम आपके पुष्प की संरचना आपको बता चुके हैं कि पुष्प की संरचना के कौन से भाग होते हैं, ठीक है। देखिए जायांग जो होता है उसकी एक इकाई हो सकती है, जायांग की एक इकाई या एक सदस्य बोल सकते हैं, या अनेक इकाई या अनेक सदस्य, अनेक इकाई या अनेक सदस्य। जायांग की एक इकाई हो सकती है या अनेक इकाई, जायांग की एक इकाई या अनेक इकाइयां जो होती हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अंडक कहा जाता है। जायांग की एक इकाई या अनेक इकाइयों को ही क्या कहा जाता है? अंडक कहा जाता है, ठीक है। अंडक किसे कहते हैं? तो जायांग की एक इकाई या अनेक इकाइयों को क्या कहा जाता है? अंडक कहा जाता है, ठीक है। अंडक जो होता है आपको बता दूं बीजांड धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण होती है। अंडक कौन होता है? बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण होती है। अंडक कौन होता है? बीजांड को धारण करने वाली होती है, बीजांड को धारण करने वाली, बीजांड को धारण करने वाली या बीजांड धारण करने वाली क्या होती है? एक रूपांतरित पर्ण होती है। बीजांड धारण करने वाली एक रूपांतरित क्या होती है? पर्ण होती है।
और इसी रूपांतरित पर्ण को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि गुरु बीजाणु पर्ण क्या है, तो आप कहेंगे कि बीजाण धारण, बीजाण को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। अर्थात अंडक जो होते हैं वो बीजाण को धारण करते हैं, और बीजाणु को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण होती है, मॉडिफाइड लीफ होती है, उसी को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु पर्ण या मेगा स्पोरोफिल के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए अंडक को ही क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु पर्ण भी क्या है, कहा जाता है। आपको बताते हैं प्रत्येक जो जायान होता है, प्रत्येक जायान के अंदर अंडकों की संख्या भिन्न होती है, प्रत्येक जायांग के अंदर अंडकों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। यदि किसी जायांग के अंदर एक अंडक है, यदि किसी जायांग में अंडक की संख्या यदि एक है तो उसे क्या कहेंगे, एक अंडकी, क्या कहेंगे, एक अंडकी। अर्थात ऐसे जायांग जिसमें अंडक की संख्या एक होती है उन्हें एक अंडकी, और यदि जायांग में अंडकों की संख्या एक से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है, बहुअंडकी। एक अंडकी को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, और इनको बोलते हैं बाईकार्पेल यानी कि पॉलीकार्पेली, पॉलीकार्पेल के नाम से इसे जानते हैं या कार्पेलरी के नाम से जानते हैं। तो जायांग में यदि एक अंडक हो तो उसे एक अंडक भी कहते हैं, और जायांग में एक से अधिक अंडक हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, बहुअंडक कहते हैं। आपको हमने एक टर्म्स के बारे में बात की थी कि यदि अंडक जो है, ठीक है, यदि अंडक है जो आपस में एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए हो। देखिए आपको मैं संरचना दिखा रहा हूं यहां पे इस तरीके, देखिए कि जायांग है और जायांग के अंदर इस तरीके से अंडक जुड़े हुए हैं, ठीक है, अंडक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वियुक्तांडपी कहा जाता है, सॉरी युक्तांडपी कहा जाता है। यदि किसी जायांग में या यदि अंडक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहा जाता है, युक्तांडपी, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है युक्तांडक। तो अंडक एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और अंडक जब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, युक्तांडपी, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सीन साइनोकार्पस के नाम से इसे जाना जाता है, कार्पस, साइनोकार्पस के नाम से जानते हैं। और यदि जायांग में यदि अंडक, देखिए बहुअंडक भी दिखाया है आपको हमने यहाँ पे, ये बीजांड हो गया, और बीजांड के अंदर अंडक इस तरीके से एक दूसरे से कैसे हो, जुड़े हुए नहीं हो बल्कि एक दूसरे से कैसे हो, बिल्कुल पृथक पृथक हो। यदि अंडक एक दूसरे से पृथक हो यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र हो, मुक्त अवस्था में हो, तो इस प्रकार के अंडकों को वियुक्तांडपी अंडक कहा जाता है, वियुक्तांडपी अंडक, ठीक है, वियुक्तांडपी को बोलते हैं एपोकार्पस के नाम से उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, एपोकार्पस के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए चना और मटर के अंदर, ठीक है, युक्तांडपी होते हैं, चना और मटर कैसे होते हैं, युक्तांडपी होते हैं, अर्थात उनमें अंडक जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जबकि जो धतूरा होता है उस धतूरे के अंदर अंडक जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं भैया, जुड़े हुए नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वियुक्तांडपी कहते हैं। देखिए प्रत्येक जायांग या अंडक की संरचना के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, प्रत्येक जायांग की संरचना के कितने भाग होते हैं, तीन भाग, या हम बोल सकते हैं प्रत्येक अंडक की संरचना के तीन भाग होते हैं। वैसे हम इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं आपको, ठीक है, और हम आपको बात कर रहे हैं ध्यान से सुना कि जायांग की संरचना के पार्ट जिस पर हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं एक बार फिर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बात कर रहे हैं कि जायांग की, प्रत्येक जायांग की संरचना,
ठीक है, जायांग की जो संरचना होती है या अंडक की जो संरचना होती है, प्रत्येक जायांग या अंडक की जो संरचना होती है उसके उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जायांग या अंडक की संरचना को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। सबसे पहला भाग है जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। दूसरा होता है वर्तिका जिसको बोलते हैं स्टाइल। तीसरा अंडाशय, थर्ड वन इज अंडाशय ओवरी। देखिए ये एक जायांग की संरचना हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे। ये एक जायांग की संरचना, ठीक है। जायांग की संरचना का ये सबसे क्या है? शीर्ष भाग होता है। इस शीर्ष भाग को हमने आपको बताया था जब पुष्प की संरचना पढ़ाई थी, तो इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिसे क्या कहा जाता है? स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये वर्तिकाग्र वाला जो भाग होता है ये क्या काम करता है? जब परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो ये परागकणों को क्या करता है? ग्रहण करता है। जिनको ग्रहण करता है, ये परागकणों को क्या करता है? ग्रहण करने का कार्य करता है। परागकणों को ग्रहण करने का क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। और तत्पश्चात इन परागकणों के अंदर क्या होता है? अंकुरण की क्रिया होती है, क्योंकि ये परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल और शर्करा जो होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात ये परागकण वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे, ये वर्तिकाग्र इसके नीचे एक नली के आकार की संरचना पाई जाती है, या हम कहें ये जो संरचना है इसको बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय के ऊपर और वर्तिकाग्र के नीचे एक नली के आकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक नली के आकार की संरचना पाई जाती है, और इस नली के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? इस नली के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिका, जिसको इंग्लिश में स्टाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? स्टाइल के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। देखिए कि वर्तिका क्या काम करती है, कि जब परागकण का अंकुरण हो जाता है, तो मैंने आपको बताया पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में, कि जो परागकण होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, कायिक कोशिका होते हैं, जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये पराग नलिका जो होती है वो किसमें से होकर के मार्ग किसमें से होकर की गुजरती है? वर्तिका में से होकर की गुजरती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पराग कण के पराग नलिका को मार्ग प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है, ठीक है, पराग नलिका को जो मार्ग प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वर्तिका के द्वारा मार्ग प्रदान करने का कार्य किया जाता है। देखिए वर्तिका के नीचे एक फूली हुई अंडाकार संरचना पाई जाती है। फूली हुई अंडाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस फूली हुई अंडाकार संरचना को क्या कहा जाता है? अंडाशय, या इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी कहा जाता है। देखिए अंडाशय जो होता है इसकी संरचना आप देख रहे हो, ये फूली हुई संरचना, इसको आप लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी, ठीक है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी अंडाकार क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है, जो मैं आपको इसको अलग डायग्राम के जरिए हम दर्शाएंगे। तो अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है? अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। अंडाकार संरचना मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप इस तरीके को दिखाया, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस तरीके से इसके अंदर छोटी छोटी अंडाकार क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडाशय के अंदर छोटी छोटी अंडे के आकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। तो इस प्रकार की संरचना इस अंडाशय के अंदर पाई जाती है, अंडाशय के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, और इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु धानी के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मैगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो बीजाणु को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। बीजाणु को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। देखिए ये बीजाणु है, और इस बीजाणु में क्या है, एक व्रंथ नुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ बीजांड में एक व्रंथ नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, ठीक है। जो क्या है, बीजांड में क्या पाई जाती है, एक व्रंथ नुमा संरचना पाई जाती है। जो अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है, अंडाशय का कौन सा भाग होता है, आंतरिक भाग होता है या आंतरिक भित्ति होती है। उस आंतरिक भित्ति पर बीजांडासन से, बीजांडासन को बोला जाता है प्लासेंटा, ठीक है। उस प्लासेंटा से क्या होता है, जुड़ा होता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए कि प्रत्येक बीजांड जो होता है, ये ध्यान से देखिए, उस प्रत्येक बीजांड में क्या पाई जाती है, एक व्रंथनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। और ये व्रंथनुमा जो संरचना होती है वो अंडाशय की आंतरिक भित्ति से बीजांड आसन के द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है, बीजांड आसन से जुड़ी होती है। बीजांड आसन को क्या बोला जाता है, प्लासेंटा जुड़ा, प्लासेंटा कहा जाता है। बीजांड अंडाशय के जिस भाग से, जिस व्रंथ नुमा संरचना से जुड़ा होता है, बीजांड अंडाशय के जिस व्रंथ नुमा भाग से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंथ कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ओव्यूल फेनिकल के नाम से जाना जाता है। ओव्यूल फेनिकल के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। अर्थात इस व्रंथनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंथ कहा जाता है। तो ये व्रंथनुमा संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंथ कहा जाता है, ठीक है। जिसे इंग्लिश में ओव्यूल फनल के नाम से क्या है, जाना जाता है, फेनिकल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, प्रत्येक बीजांड में एक व्रंथनुमा संरचना पाई जाती है, जो अंडाशय की आंतरिक भित्ति से बीजांड आसन द्वारा जुड़ी हुई होती है, और इसी जो संरचना होती है, इसी व्रंथनुमा जो संरचना होती है, उसी को क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंथ कहा जाता है। देखिए बीजांड व्रंथ जो होता है, बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस स्थान पर क्या है, लगा होता है या जुड़ा होता है। बीजांड व्रंथ, ये बीजांड व्रंथ है, बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस स्थान से लगा होता है या जुड़ा होता है। यहां पे बीजांड व्रंथ लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिका के नाम से जाना जाता है, जिसको हाइलम के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। नाभिका को किस नाम से जानते हैं, हाइलम, HYLUM, हाइलम के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है या जिस स्थान पर जुड़ा होता है, बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, नाभिका, या उसे हाइलम कहते हैं। ये नाभिका है, आपको मैं काला काला जो ब्लैक दर्शाया है, ये जिस भाग से जुड़ा होगा ये भाग क्या कहलाएगा, नाभिका या हाइलम के नाम से जाना। कभी कभार क्या होता है कि बीजांड व्रंथ का जो जुड़ने का स्थान है, बीजांड व्रंथ का जुड़ने का स्थान मैंने आपको ये दिखाया, देखो डायग्राम में आपको बार बार दर्द कर रहा हूं। कभी कभी बीजांड व्रंथ के जुड़ने के स्थान पर, बीजांड व्रंथ के जुड़ने के स्थान पर क्या है, उभार नुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती है। कभी कभी बीजांड व्रंथ के ऊपर उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती है,
और जो उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? रैपी कहा जाता है। उभार नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? रैपी कहा जाता है। तो कभी कभी बीजांड व्रंथ के जुड़ने के स्थान पर उभार नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? रैपी कहा जाता है। आपसे पूछा है कि रैपी क्या है, तो आप कहेंगे कि कभी कभी बीजांड व्रंथ के जुड़ने के स्थान पर, जुड़ने के स्थान पर क्या लगी होती है? एक उभार नुमा संरचना लगी होती है या उभार नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? रैपी कहा जाता है। नाभिका किसे कहते हैं? बीजांड व्रंथ, ठीक है। बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। और बीजांड व्रंथ किसे कहते हैं? व्रंथ नुमा संरचना को ही बीजांड व्रंथ कहते हैं। व्रंथ नुमा संरचना कौन से? मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो बीजांड होता है उसमें एक व्रंथ नुमा संरचना होती है जो अंडाशय के आंतरिक भित्ति पर बीजांडासन से क्या होती है? जुड़ी होती है। और इस व्रंथ नुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है? बीजांड व्रंथ या ओव्यूल फनिकल के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।